हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। सो आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। गेट एग्ज़ाम आने वाला है मैथमेटिक्स का, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें मैं गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, दैट मीन्स 20 ईयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। और टॉपिक मैंने जो लिया है वो लिया है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस गेट में आते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। कुछ पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरीके से सीरीज लेकर आई। दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे मैं 5-5 क्वेश्चंस आपके साथ हर एक वीडियो में शेयर करूंगी। क्वेश्चंस 2000 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे मैं टॉपिक वाइज लूंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि LPP बहुत आसानी से आप तैयार कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियोस में कवर होंगे क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चंस या 5-6 क्वेश्चंस, इस तरीके से 11 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का एक टेक्निक होता है ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करने का। जब हमारे पास कोई LPP दी गई हो तो आपको सबसे पहले जो गिवन कंस्ट्रेंट होती है उनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना होता है। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं ताकि आप उन लाइंस को प्लॉट कर सको। लाइंस को प्लॉट करने के बाद हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है, ठीक है। फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है, फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है। उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलने के बाद हमें उसके बाद जेड की ऑप्टिमल वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट तक तो सभी को आता है, जेड की ऑप्टिमल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन को टिल्ट किया जा सकता है या मोल्ड किया जा सकता है आपको आंसर को ऑब्टेन करने के लिए, तो वही एप्लीकेशन हम यहाँ पे सीखेंगे इन PYQs के थ्रू, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो यूजुअली एग्जाम में देखे जाते हैं। क्वेश्चंस एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमें रीजन ही नहीं मिल रहा है, इनफिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो उसको हम कहते हैं इन फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं इनफिजिबल रीजन, ठीक है। इनफिजिबल रीजन का क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास अनबाउंडेड रीजन का आ सकता है। अनबाउंडेड रीजन का मतलब कि हमारा जो रीजन है वो अनबाउंडेड है, वो एक लिमिटेड रीजन नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है। तो हम ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो हमें इसमें सीखना होगा। चौथा जो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं ग्राफिकल मेथड में वो है सिंगल पॉइंट, ठीक है। आपको जो है सिंगल पॉइंट, आपको कोई रीजन कोई लाइन नहीं मिल रही, आपको सिर्फ एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना रहा है। दैट मींस आपको फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ सिंगल पॉइंट ही मिल रहा है जो कि कॉमन है, फाइन। जो फोर्थ तरीके का एक्सेप्शनल एग्जिस्ट करता है ग्राफिकल मेथड में वो है यहाँ पे लाइन सेगमेंट, कि हमें इस तरीके का रीजन मिल रहा है जिसमें हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो एक से ज्यादा है, दैट मींस मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का केस एग्जिस्ट करेगा। तो इन चारों पे बेस्ड ही क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो है वो 2008 में आया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2008 में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने लिया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके का है, मैक्सिमाइजेशन टाइप का है। आपके पास दो यहाँ पे गिवन कंस्ट्रेंट है, दो गिवन कंस्ट्रेंट है और दो ही डिसीजन वेरिएबल्स पे ये कंस्ट्रेंट डिपेंड कर रही है। जब भी हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल्स दिए गए हों तो मैथड आप ग्राफिकल मैथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। X1 और X2 दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं, इज तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसने ये पूछा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमें ये फाइंड करके बताना है। अब यहाँ पे इसका मैं आंसर लिखती हूँ, फाइन। सो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। सबसे पहला स्टेप वही है कि हमें कंस्ट्रेंट को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। 2x1 - x2 = 1। सो इसकी हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे x1 और यहाँ पे आप लिखोगे x2। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो दैट मींस आप दोनों लाइन पे बनने वाले पॉइंट्स निकाल लीजिए जिनको आप ट्रेस करोगे तो एक लाइन बन ही जाएगी। तो पहली बार x1 को 0 ले लो, दूसरी बार x2 को 0 ले लो। जब x1 को आप 0 लोगे इस इक्वेशन में तो x2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -1। इसी तरीके से जब आप x2 को 0 लेंगे, इसको 0 लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन है दैट इज x1 = 3 है। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट करके देखते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास x1 और ये हमारे पास x1 और यहाँ पे हमारे पास है x2,
ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया सेंटर 0 0। तो पॉइंट्स देख लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्योंकि हाफ भी है तो 1 ये है और 2 ये है। एक्स टू की वैल्यू जो है वो -1 जा रही है, तो एक्स टू नीचे बनेगा, दैट मीन्स ये हमारा -1 हो गया। सो पॉइंट देखते हैं 0 और -1, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया 0 -1, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो 1/2 और 0, दैट मीन्स 1/2 कहीं यहाँ लाई करेगा, तो ये बन गया आपका 1/2, 0। इससे पास होने वाली एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है x1 = 3, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 मानते हैं और इसको ऐसे बढ़ा के यहाँ पे एक लाइन इस पॉइंट से पास होती ही बना देते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि रीजन कौन सा काउंट करेगा या रीजन कौन सा होगा, तो वो समझिए। जब भी सिंबल लेस देन इक्वल टू का होगा, सो रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। लाइन से ओरिजिन की तरफ आने वाला रीजन आप सेलेक्ट करोगे, रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आने वाला होगा, फाइन। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा कंस्ट्रेंट में, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा कंस्ट्रेंट में, तो रीजन जो होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की ओर, ओके, दूर उधर की ओर, अवे टू ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, इसमें भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इस बड़े वाले के लिए भी, ये वाले स्ट्रेट लाइन के लिए भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है। फिजिबल रीजन जो होता है ना, वो सबसे इनसाइड का एक कॉमन रीजन होता है। हमें फिजिबल रीजन क्या मिल रहा है, हमें फिजिबल रीजन ये सबसे कॉमन रीजन आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला है, ठीक है, ये कॉमन रीजन हमें मिल रहा है। अब हमें फाइंड करने हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया, इसके अलावा हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। रीजन हमें कुछ अनबाउंडेड सा दिख रहा है, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन है और 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए। तो अब देखते हैं कि आंसर कैसे मिलेगा यहाँ पे। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हमें मिल रहा है, सो नेक्स्ट वर्ड इसमें है कि हमें मैक्सिमाइजेशन फाइंड करनी है, हमें मैक्सिमम वैल्यू जेड की फाइंड करनी है ना। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सॉल्यूशन में वैल्यूज क्यों दी है, जब भी मैक्सिमा का केस होता है तो अनबाउंडेड रीजन से वैल्यू नहीं मिलती है, मिनिमा के केस में अनबाउंडेड रीजन से वैल्यू मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन रियल में अनबाउंडेड चला जाएगा या कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल है जो इसको बाउंड कर रहा है या इसकी वैल्यू को लिमिटेड रखेगा, ठीक है। सो कैसे होगा, देखिए x1 की जो वैल्यू है, x1 = 3, इससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक लाइन है, इससे आगे x1 नहीं जा सकता ना, लिमिट हो गया x1 की, x1 = 3 से इसकी यही वैल्यू है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें x1 = 3, तो x1 = 3 इसको रोक रहा है, दैट मीन्स 9 से बड़ी वैल्यू ये फर्स्ट टर्म ऑप्टेन नहीं कर सकता, x2 कोई भी वैल्यू ऑप्टेन कर सकता है। अगर आप देख रहे हो तो x2 बढ़ रहा है, इस गिवन रीजन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो हमें फिजिबल रीजन मिल रहा है, जो अनबाउंडेड हम कह रहे हैं, ठीक है ना। x2 कोई भी वैल्यू ऑप्टेन कर सकता है, तो x2 अगर 9 से बड़ा हो गया तो आपको z की वैल्यू कैसी मिलने लग जाएगी, निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही इसी टाइप का है कि ये वैल्यू को लिमिट कर रहा है, अनबाउंडेड नहीं होने दे रहा, ठीक है ना। इसलिए हम z की वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स की वैल्यूज को पुट करके देखिए, पहला एक्सट्रीम पॉइंट है 0 0, सो z = 3x1 - x2 है ना। इसमें जो आप 0 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 0 =, मतलब 0 - 0 = 0, ठीक है ना। z में दूसरा पॉइंट है हमारा 1/2, 0। अब z है 3x1, दैट मींस 3 × 1/2, और बाई 2 तो 0, ये तो हो गया 3/2। इसी तरीके से z आपका तीसरा है यहाँ पे, दोनों के इंटरसेक्शन से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ना। वैल्यू जो यहाँ पे आएगी इंटरसेक्शन में, वहां पे x1 की वैल्यू तो 3 है ही, दी हुई है, x1 = 3 तो यहाँ दिया हुआ है। इसी x1 = 3 की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, x1 की 3, तो 6 6 - 1 5, x2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5, x2 = आपका हो जाएगा 5। सो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3, 5, दो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 - 5, तो आपको आंसर मिलेगा 4, फाइन। सो जो 4 है वो आपका यहाँ पे होगा आंसर। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, 4 इज योर फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है कि किस तरीके से ऐसे अनबाउंडेड सॉल्यूशंस में से भी हम फिजिबल रीजन फाइंड करके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए, कंसिडर द LPP, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का दिया है, 2 हमें कंस्ट्रेंट दी गई है, ठीक है। और पूछा क्या गया, यहाँ से स्टार्ट है, इफ एस
If S denote the set of, this is set, okay, if S denote the set of all solutions of the above problem, ठीक है, S कोई ऐसा set है जिसमें इस LPP का जो भी हमें optimal solution मिल रहा है वो सारे answers हम इसमें लिखते जा रहे हैं, मे बी हमें एक ही answer मिले, मे बी हमें कोई answer ही ना मिले, तो हम वो S set में लिख रहे हैं, ठीक है। सो उसने पूछा जो सेट एस है क्या वो एम्प्टी होगा, आइदर द सेट इज सिंगलेटन, सिंगलेटन होगा, या एक लाइन सेगमेंट मिलेगा हमें, या हमें कोई पॉजिटिव एरिया मिलेगा। लाइन सेगमेंट में आपको बता दूं, लाइन सेगमेंट इस तरीके का होगा, दैट मींस कि हर एक पॉइंट लाइन सेगमेंट के अंदर, इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना लाइन सेगमेंट में, जो इन्फाइनाइट पॉइंट लाइन सेगमेंट के होंगे वो इस जेड की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे और हर एक पॉइंट हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट कह दे या इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह दे, या फिर मेनी सॉल्यूशंस कह दे, या कह दे मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, यहां पे इसका आंसर करेंगे, और हमें z की वैल्यू जो दी गई है दैट इज x प्लस 3/2 y दी गई है। हमें जो कंस्ट्रेंट दिया गया है उसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगी ताकि मैं उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकूं। तो पहला ये है, तरीका वही रहेगा, x एक बार x जीरो रखेंगे एंड नेक्स्ट टाइम पे विल पुट y जीरो। सो इस इक्वेशन में जब आप x को जीरो रखो, x को जीरो रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी y की, 16/3। जब आप y को जीरो रखोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16/2, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है आपकी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं, x एंड y, x जीरो फिर y जीरो। तो आपको दिख रहा होगा कि x को आप जीरो रखोगे तो बन जाएगा y 18/4। जब आप y को जीरो रखेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ और तब हम एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ये आपका हो गया 0 पॉइंट, फाइन। सो x की वैल्यू आप देख रहे हो 18 तक जा रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसी तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ड्रॉ कर देते हैं ना, इतने आगे तक हमारा y एक्सिस नहीं जाएगा, ये 18 तक जा रहा है। अब हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहली लाइन कितनी है, देखिए 0, दैट मींस y एक्सिस के लिए है ये पॉइंट 0 और 16/3, 16/3 की वैल्यू होती है 5.3। सो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लिख रही हूँ 0, 16/3। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 16/2, दैट मींस 8 हो गया। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये पॉइंट हो गया आपका 16/2, 0, इससे मिलती हुई एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से। दूसरा है देखिए 18/4 का जो वैल्यू होती है वो 4.5 के करीब होती है, दैट मींस 4 ये हो गया तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। सो ये बन जाएगा आपका 0, 18/4, फाइन। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 18, तो वो ये हो गई आपकी, तो इसको आप लिख सकते हो 18, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपको कोई लाइन बनानी है इस तरीके से। हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही इक्वेशन दिए हैं और दोनों में सिंबल आप देख सकते हो लेस देन इक्वल टू का, तो मैंने आपसे कहा था ओरिजिन की तरफ, तो कॉमन रीजन हमारा ये वाला है, ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ए, इसी तरह से बी, इसी तरह से सी, इसी तरह से डी, हमारे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए 4। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए कंस्ट्रेंट 1 एंड 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी x की वो मिलेगी आपको 2 और जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 4। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 2 और 4 हो गए, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू, क्योंकि हमें बताना है कि z के जो वैल्यूज है वो सेट में क्या वैल्यूज आएंगी। सो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0, दूसरा हो गया आपका 0, 18/4, थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2, 4, फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 16/2, 0, दैट मींस एक्सट्रीम पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे। z हमारे पास ये 0, 0 विल गिव यू 0, नेक्स्ट में ये 0 है प्लस 3/2 × 18/4, सो 2 × 9 = 18, सो 27/4, 2 and 4, सो 2 रख दीजिए x की जगह, प्लस 3/2 × 4, सो ये कितना हो गया 8, देन नेक्स्ट 16/2 = 8, y की वैल्यू 0 है। सो ध्यान से देख सकते हो, एक तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फाइन, और दूसरा यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है
मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट से मिली, दैट मींस यहाँ 2, 4 से हमें 8 वैल्यू मिल रही है जेड की, 16/2 एंड 0 से 8 वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट में आएंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें जेड की ऑप्टिमल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब जो एस सेट होगा इट कंटेन मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, है ना। हमें क्या मिलेगा, मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है, और या फिर इसको लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं आंसर में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास ऑप्शंस दिए, एस इज एम्प्टी नो, एस इज सिंगलटन नो, एस इज लाइन सेगमेंट यस, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, एस इज अ लाइन सेगमेंट, एरिया नो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, फाइन। और क्वेश्चन पहले मैं समझाती हूँ, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, दो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट दी गई हैं और ये है थर्ड कंस्ट्रेंट, तीन कंस्ट्रेंट दी गई हैं। और क्वेश्चन में हमें सेम ऐसे थियोरटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन में, हैज एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, दैट मीन्स की एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है, या एक से ज्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है, या हमें अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा, या फिर हमें इन नो सोल्यूशन मिलेगा। नो सोल्यूशन का मतलब तभी नो सोल्यूशन मिलता है जब हमें फिजिबल रीजन ना मिले, दैट मीन इनफिजिबल रीजन के बारे में बात की जा रही है। इनफिजिबल रीजन के केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमने फर्स्ट वाले में डिस्कस किया था कि रीजन कैसे अनबाउंडेड हो जाता है और उसमें सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही, दैट मीन्स यूनिक है, मोर देन वन में क्या केस होता है, लाइन सेगमेंट का केस होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का केस बनता है। तो ये सब हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे। एक बात मुझे आपको और बतानी थी, अगर इस तरीके के लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चंस आपके केस में आए तो उसमें आप एक चीज देख सकते हो कि जो आपका गिवन ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो आपका गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपकी किसी भी लाइन, जो एक कंस्ट्रेंट दो कंस्ट्रेंट दी गई हो, किसी भी कंस्ट्रेंट के पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, उस केस में हमेशा आंसर लाइन सेगमेंट ही बनेगा। अगर आप इसको ढंग से लिखो, इफ यू राइट इट प्रॉपरली, तो कैसा बन जाएगा, 2x + 3y। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट के पैरेलल बनेगी लाइन, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, जेड को प्लॉट करूं, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के पैरेलल बनेगी कहीं ना कहीं। इसीलिए जब इस तरीके का केस एग्जिस्ट करता है तो हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया गया, मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू x1 + x2 दिया गया। जो कंस्ट्रेंट हमें दी गई है वो है x1 + 2x2 is equals to 20, जो हमें दूसरी दी गई है x1 + x2 is equals to 15, थर्ड कंस्ट्रेंट दी गई है x2 is equals to 6, तो इन तीनों लाइंस को हमें प्लॉट करना है। x1 + x2 is equals to 15 के जब कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करोगे x1 x2, तो ऑब्वियसली एक को 0 इधर, सेकंड को 0, तो 15 15 मिल जाएगा डायरेक्टली। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस वाले के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, पहले वाले के, सो यहाँ पे आप x1 लिखेंगे, x2, कंडीशंस वैसे ही रहेंगी जैसे सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। देखिए x2 को आप 0 रख रहे हो, x2 को आप 0 रख रहे हो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x1 को आप 0 रख रहे हो तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, इसको हम प्लॉट करते हैं, x1 and x2, फाइन। अब ध्यान से देखिएगा, वैल्यूज जो है 10 5 के उसमें है, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5 के मल्टीपल है, तो आई विल पुट 5 10 15 20, इधर भी 5 10 15 20, ये 20 हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट यहाँ ओरिजिन हो गया आपका 0 0, सो देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 0 10, x2 में 10, सो दिस विल बी 0, 10। जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 20, 0, सो दिस इज 20, 20, 0, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। इस लाइन को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो क्योंकि एक से ज्यादा लाइन है, तो इसलिए 15 0 है यहाँ पे, सो 0, 15 पहला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसी तरीके से 15, 0 मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना लीजिए, दिस इज सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है x2 इज इक्वल्स टू 6, तो 6 कहीं यहाँ लाए कर रहा होगा, तो इस तरीके से हम लाइन बना देते हैं, ये हमारी हो गई थर्ड लाइन, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं 0, 6, x2 इज इक्वल्स टू 6, अलाइन पैरेलल टू x-एक्सिस, x1-एक्सिस। अब तीनों में ही सिंबल लेस देन इक्वल टू के, दैट मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, दैट मीन्स इसमें भी ये पूरा रीजन और इस तरीके से इस वाले के लिए पूरा नीचे का रीजन। हमें सबसे मोस्ट कॉमन रीजन फाइंड करना होता है, तो हमारा मोस्ट कॉमन रीजन हो जाएगा ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन। तो इसके कोऑर्डिनेट एक ये हो गया,
यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया, इस तरीके से आपको फाइव एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना। हमें क्या मिल गया, हमें फाइव एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए, ए बी सी डी और ई, फाइव एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे जेड की, ठीक है ना, जेड की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। जेड जेड जीरो जीरो के लिए आपको क्या सॉल्यूशन देगा, जीरो जीरो, सो दैट मीन जीरो। जेड नेक्स्ट बी, बी हमारा क्या कोऑर्डिनेट था, सिक्स था, तो जीरो कॉमा सिक्स था, सो जीरो कॉमा सिक्स पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो और सिक्स। नेक्स्ट जेड सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सी दैट मीन्स की थर्ड लाइन है, एक्स टू इज इक्वल्स टू सिक्स, और ये इंटरसेक्ट कर रही है इक्वेशन नंबर वन की लाइन से। सो वन एंड थ्री को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो जो थर्ड वाला है उसको फर्स्ट के साथ सॉल्व करो। पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू सिक्स रख दो, तो एक्स वन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, सो एक्स वन की वैल्यू आपको क्या मिली, एट, ठीक है। सो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिलेगा एट कॉमा सिक्स, ठीक है, एट कॉमा सिक्स। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ एट कॉमा सिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ये दोनों से लाइन बनी है, तो वन एंड टू को आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट लाइन आपकी थी एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, और दूसरी लाइन है आपकी एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन। इन दोनों को जो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स टू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इज फाइव, सो एक्स टू फाइव मिल गया। पुट कर दीजिए एक्स टू इस इक्वेशन में, 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, 15 माइनस 5 इज 10, सो x1 की वैल्यू आपको मिलेगी 10। सो कोऑर्डिनेट्स बने 10 कॉमा 15, ये कोऑर्डिनेट्स बने, ठीक है। सो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स के, 10 कॉमा 15। इसके अलावा लास्ट आपका ये वाला कोऑर्डिनेट है 15 कॉमा 0, सो z 15 कॉमा 0, इस तरीके से दूसरा बन गया। x1 x2 में पुट करते हैं तो 8 प्लस 16 इज 14, 10 प्लस 15 इज 15, 15 कॉमा 0 में भी 15 मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है z की, और इस मैक्सिमम वैल्यू में हमें दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहां पे वैल्यू सेम आ रही, दैट मींस इससे लेकर यहां तक के सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। सो हमें क्या मिल रहा है, लाइन सेगमेंट। सो इसीलिए जो इसका आंसर होगा, आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका, हैज एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, नो, हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन, नो, नो सोल्यूशन, नो, आंसर इज दिस, हैज मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन 2011 में आया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 2009 में आया है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फॉर अ फिक्स्ड टी, टी जो है कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि वैल्यू रियल नंबर सिस्टम से ले रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको ये दी गई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, और आपके पास यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट दी गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड की जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल रही है वो 400 मिल रही है, सो हमें टी को फाइंड करना है कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ टी। टी कहाँ है, ये है टी, आपका राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट जो है, एक कंस्ट्रेंट में वो हमें वेरिएबल दिया गया, तो टी की कौन सी वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब टी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, एक बार वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y दिया गया, ठीक। पहली कंस्टेंट x प्लस y इज इक्वल्स टू 100, हम वैसे ही करेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 100। सो इस इक्वेशन को आप हाथों हाथ प्लॉट कर लीजिए। सबको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 100 0 और 0 100, हमने इसको 100 मान लिया और यहां पे भी 100 ले लिया स्केल, ठीक। सो ये इसका लाइन बन जाएगा, हंड्रेड हो गया यहाँ पे, सो ये बन जाएगा 100 0, और यहाँ पे ये बन जाएगा 0 कॉमा 100, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो ये वाला रीजन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे तीन पॉइंट्स तो मिल गए पहली इक्वेशन से। मे बी ये तीनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हो, और मे बी इनमें से कोई एक्सट्रीम पॉइंट ना हो, लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई एक्सट्रीम पॉइंट तो बने गई, क्योंकि दो ही इक्वेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू टी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमें और भी एक चीज गिवन है, थर्ड चीज हमें ये गिवन है, कहा गया है कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 400, z की मैक्सिमम वैल्यू 400 दी गई है, ठीक है। तो z की वैल्यू अगर मैं 400 पुट करती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे वैल्यूज मिल जाए x की, ताकि मैं t फाइंड कर,
देखिए कैसे वैल्यू पुट करने, तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले हैं 0 100 और 0.0 और 100.0। अब देखते हैं क्या इन तीनों में से कोई एक्सट्रीम पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें जेड की वैल्यू 400 दी गई है, तो पुट करते हैं पहले पहला ये लेते हैं 0 0। सो 0 0 तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, ये 0, इससे तो हम कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 0.100, सो 400 यहाँ पे z में लिखते हैं 0.100, 3 इंटू एक्स है तो 0 प्लस 4 इंटू वाई इज 400। सो ये इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट फाइंड करते हैं z की वैल्यू 400, 3 इंटू एक्स मतलब 100 तो 300, ये भी बराबर नहीं है। सो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है अगर दूसरी इक्वेशन भी मिल जाए तो। ठीक है ना, अब हमें फाइंड करनी है t की वैल्यू, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, वो कैसे फाइंड करेंगे t की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। इसी इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, सेकंड से x plus 3y is equals to t, y की वैल्यू हमें पता है कि 100 है, x की वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस 300 इज इक्वल्स टू टी, सो टी की वैल्यू कितनी है 300। ठीक है, सो ये इसका सॉल्यूशन हो, 50 नो, 100 नो और 200 नो और 300 यस, तो ये इसका आंसर है t इज इक्वल्स टू 300, क्वेश्चन 2009 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एलपीपी हमें ये दिया गया है, दो कंस्ट्रेंट, यहाँ तीन कंस्ट्रेंट दी गई हैं एक्चुअली, ये भी कंस्ट्रेंट ही है जो आपको इस तरीके से बताएगी कि x की वैल्यू 0 से 3 तक है, y की वैल्यू 0 से 3 तक ही वेरी करेगी। क्या आंसर है ध्यान से देखिएगा, द क्या आंसर फाइंड करना है, द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, the number of extreme points of its feasible region and the number of basic feasible solution respectively। यहाँ पे हमें कहा है कि feasible region find करो और feasible region को बनाने वाले जो extreme points हैं उनको find करो, हमें ये find करने हैं। ठीक है, region को बनाने वाले extreme points find करने हैं, basic feasible solution हम वो next coming video में discuss करेंगे। Fine, so चलिए शुरू करते हैं, question किस तरीके से होगा देखिए, इसका आंसर वही है, z की वैल्यू आप लिखेंगे x माइनस वाई, हमें दो इक्वेशंस दी हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 3 डायरेक्टली यहाँ पे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए x और y के, इस तरीके से जब आपने x को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा 2 और आपने यहाँ पे y को 0 रखा तो x क्या हो जाएगा 3। इन लाइंस को हम प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, सो 1 2 3 इधर भी 1 2 3 यहाँ 0 0 हो गया। फाइन, सो पॉइंट कितना है 0 2, दैट मीन्स ये बन जाएगा 0.2 और ये क्या बन जाएगा 3.0, सो ये बन जाएगा 3.0। इन लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरह से x इज इक्वल्स टू 3 आपकी ये वाली लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू 3 आपकी ये वाली लाइन होगी। सो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, तीनों इक्वेशंस को हमने प्लॉट कर लिया। जो सिंबल है वो लेस देन इक्वल टू का है, तो सबसे इनसाइड वाला रीजन आपका फिजिबल रीजन होगा, सो दिस इज द फिजिबल रीजन। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, 1 एक्सट्रीम पॉइंट है, 2 एक्सट्रीम पॉइंट दैट मींस ए बी और सी, हमें 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले, कितने मिले 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले, वही पूछा भी गया इसमें, द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको फाइंड करने, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन BFS वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थर्ड वीडियो पार्ट 3 जो आएगा, सो इसमें एक्सट्रीम पॉइंट कितने हैं 3 दिया गया है, इसमें 3 है, दैट मींस ए या बी में से कोई एक आंसर होगा और जब आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें या जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चंस हैं ग्राफिकल मेथड के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।